Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a merry-go-round made of a ring-like platform, radius capital R and mass capital M is revolving with angular speed omega. A person of mass capital M is standing on it. At one instant, the person jump up and round radially away from the center of the round. The speed of the round afterward is ऑप्शन ए 2 ओमेगा, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी ओमेगा बाय 2, ऑप्शन डी 0. सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है. द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. सो अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अभी क्या है, अभी ये जो रिंग है, ये रिंग का जो एंगुलर मोमेंटम होगा तो एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा ही होगा. सो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम लिख लेते हैं आई रिंग, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था यानी द उसका जो उसपे ऊपर जो पर्सन था उसका मास था एम, और आर रेडियस में घूम रहा था. सो ये हो गया ए मास स्क्वायर, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी था उसको सपोज हम ले लेते हैं ओमेगा वन. ये हो गया पहले वाला. अब जब उसने उसने जब इस पे जंप किया, द मेरी गो राउंड मेड ऑफ द रिंग लाइक प्लेटफॉर्म रेडियस आर एम एंड रिवॉल्विंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये पर्सन क्या कर रहा था? ये पर्सन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन इट, इसके ऊपर ये स्टैंड कर रहा था. अभी क्या हुआ? एट ए वन इंस्टेंट द पर्सन जंप ऑफ द राउंड. अब उसने जब जंप किया तो क्या होगा? जंप अगर उसने किया तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा तो उसका मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा, यानी एल मैन और जो था एल रिंग ये आ जाएगा. और सपोज इसका जो अभी फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी होगा उसको सपोज हम ले लेते हैं ओमेगा टू. तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है? हमें कैलकुलेशन करना है ओमेगा टू. तो ओमेगा टू को हम कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से. अभी क्या है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? एम आर स्क्वायर. तो इसको हम लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर, और जो मैन था उसका भी था एम आर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया. अब उसका जो वेलोसिटी था एंगुलर वेलोसिटी कितना था? एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा, इसको हमने लिख लिया. अब जो मैन ने उसने जब जंप किया तो उसका कितना होगा? उसका जो मोमेंटम होगा तो वो तो हो जाएगा जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा. रिंग का कितना है? रिंग का था, अभी रिंग का कितना होगा? रिंग का तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे एम आर स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओमेगा टू का जो ये तो ओमेगा वन तो हमारा ओमेगा ही था. सो ओमेगा को हम यहाँ से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ओमेगा ही लिख लेते हैं, क्योंकि ओमेगा वन का तो ओमेगा ही था. तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा? ओमेगा टू हमारा यहाँ से कैलकुलेशन होकर आ जाएगा टू ओमेगा. तो द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा टू ओमेगा. सो द स्पीड ऑफ द राउंड आफ्टरवर्ड्स हो जाएगा टू ओमेगा. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें या ध्यान से, सो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर से मैच हो रहा है. सो द आंसर इज टू ओमेगा. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.